खिलाड़ी लगते हैं दोनों ही बल्लेबाज, और एक और कुछ कभी हमारे भाई सिंधु दयाल की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 10 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पैसे मेरे पास जमा हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर नीचे रहती है। और मांगेलाल कीपर को टीम शुरुआती में रन जरूर लुटाती है और बाद में बैकअप जरूर करती है। मैंने कई मुकाबले देखे हैं यहाँ पर, बिल्कुल जानी जाती है केसर को टीम वापस चुकी है। 43-45 रन लुटा देती है और बाद में गेंदबाजी का नजारा। लेकिन जिस तरह की इसमें बल्लेबाजी हो रही ना, मुझे नहीं लगता जी नगर टीम ये मुकाबला हार सकती है, क्योंकि अभी बहुत आगे चल रही है वो। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर नगर टीम का स्कोर 35 रन। नेट रन रेट से अभी भी लगभग नेट रन रेट के बराबर रन, यानी कि और केसर को टीम अपनी फील्डिंग फैला सकते हैं। पावर मिलेगी पाबंदियां खत्म, 7 ओवर में चाहिए 73 रन, क्योंकि मुश्किल नहीं है। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी चलती रही और केसर को टीम के लिए कुछ कभी सुशील भाई पाटन की तरफ से 100 रुपए प्रत्येक विकेट पर हमारे पास जमा है। धन्यवाद भाई साहब हौसला अफजाई करने के लिए। आसम और केसर पर की ओर से 14 ओवर लेकर आए आसम। डिस्टर्ब ना हो कोई भी खिलाड़ी हो, मुंह कर ताली बजा सकते हैं। देखा शांति से देख लो, आपके लोग मार कर और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। इसी एक रन के साथ नगर टीम का स्कोर 34 रन। और यहाँ पर एक सिंगल चलाया आसानी के साथ दोबारा ज्यादा आएंगे बिल्कुल भाई साहब। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा अच्छे बल्लेबाज है दोनों केसर को टीम को, अगर ये मैच जीतना है तो इनका विकेट लेना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए आगे आकर खेला यहाँ पर सात ओवर में अड़तालीस अट्ठावन दो बज गए। तो विश्वास बिल्ला आयशा आदर चला है, क्या बात है।